ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट एविल 3। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जिल के ऊपर जब नेमेसिस ने अटैक करा था, वहां पर जिल इन्फेक्टेड हो गई थी और कैरलोस जिल को लेकर हॉस्पिटल में आ गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बचा हुआ था, डॉक्टर बर्ड। अब यार उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए ना भाई ऐसी तैसी हो गई थी कैरलोस की, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे हॉस्पिटल में। अब सब ज़ॉम्बीज को मारने के बाद उस डॉक्टर को ढूंढा तो पता चला उस डॉक्टर को ही मारकर जा चुका है, यानी कि अभी वैक्सीन नहीं बनने वाली। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके पास एक वैक्सीन पड़ी हुई थी, तो वो एक वैक्सीन ली और जिल के लगा दी कैरलोस ने, और यहां पर भी जिल जो है ठीक हो गई थी। लेकिन उस डॉक्टर के पास ना कंप्यूटर था, उसके कंप्यूटर में एक ईमेल थी और उस ईमेल में लिखा था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है उसके अंडरग्राउंड में, मतलब कि उसकी बेसमेंट में वैक्सीन बनाने की रेसिपी पड़ी हुई है। अभी फिलहाल मैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की बेसमेंट में ही हूं, लेकिन ना यहां पर वो जगह नहीं पता कि भैया कहां पर पड़ी है। और सबसे खतरनाक बताए बात क्या है कि जब मैं यहां पर आया था ना, तो यहां पर वो मतलब कि जो अपना निकोला है, जो कि इस गेम का रियल विलन है, वो यहां पर खड़ा हुआ था। लेकिन फिर पता नहीं कहां चला गया और मेरे को ना आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि नीचे का जो लिफ्ट का फ्यूज बॉक्स था वो उड़ गया था। और ये निकोला है भाई साहब, ये यार टायरन ने डरा दिया, मेरे को लगा निकोला आ गया। और भाई निकोला बहुत खतरनाक है, मतलब कि जो नेमेसिस वो जो मॉन्स्टर है ना, उसको पूरा का पूरा वही कंट्रोल कर रहा है, और हर बार जब वो जिंदा हो जाता है ना, तो उसको जिंदा करने के पीछे उसी का हाथ होता है, निकोला का। अभी फिलहाल ना यहां पर ये मेरे को नहीं समझ आया टायरन कहां से टपक पड़ा, भाई पता नहीं ये आया कहां से, मुझे ये नहीं समझ आया। अभी बाकी तो इसकी भी हालत खराब हो गई, मुझे लग रहा है कि इसे किसी ज़ॉम्बीज़ ने इन्फेक्ट तो नहीं कर दिया, भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर कैरलोस का नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ओके तो चलो भी इसके पीछे पीछे चलते हैं। और ये ना गाइस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही बंदा है, तो इसको पता है कि वैक्सीन जो है कहाँ पर रखी है। तो ये कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ वैक्सीन कहाँ पर। और ये देखो इस लोग को ना मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बंदों को ही पता है। तो चल भाई आगे। अभी फिलहाल टायरल आ चुके हैं और ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आने वाली है रास्ते वगैरह की। अभी फिलहाल धीरे धीरे ना आगे चलते और ये बेचारा अपना फुल भगता भगता जा रहा है। बाकी ना मेरे को लग रहा है कि ना इसको कोई दिक्कत हो गई है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ना, मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी कम है, पहले अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ। चलो भाई मेरे पास तो ग्रीन हब्स पड़ी हुई थी, मैंने अपनी हेल्थ बढ़ा लिया है। तेरे को ग्रीन हब्स चाहिए तो बता दियो। बाकी यहाँ पर ना मेरे पास जो गन है ना, उसकी एमओ भी तक रीलोड नहीं है, फटाफट मैं पहले रीलोड करता हूँ भाई, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अभी गेट खोलना भाई जल्दी, क्या कर रहा है, मैं खुद खोलूंगा गेट। ओके तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये इतना डर डर के क्यों आ रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, ज्यादा ही सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा निकोला हो सकता ना यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि ना लास्ट टाइम हमने यहाँ पर निकोला को देखा था। और ये क्या है, अबे भाई ये कहाँ से आ गया, अबे तेरी ऐसी किधर से ये आया कहाँ से है, ओ भाई साहब नेमेसिस ये कौन सा वाला है भाई, ये तो अलग ही लेवल है। भाग 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 भाई, यहाँ पर टायरल को पता नहीं क्या हो गया भाई, ये क्या, एक सेकंड, अरे भाई ये क्या है भाई साहब, उसके पेट के अंदर यहाँ डाल दिए तो गया भाई, इसका तो बचने के चांस ही नहीं है। और भाई ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ से भी फटाफट ना भागना पड़ेगा। और यहाँ पर जिल ने भागना शुरू कर दिया, भाई इससे जितना मर्जी पीछे छुड़ा लो भाई, अब तो आदत हो गया भाई, मुझे पता रहता है कि आ जाएगा हर दो मिनट बाद। तो चलो भाई, लेकिन यार इस बार ही हम लोग इससे बच गए, मुझे लग रहा था फिर से फाइट होगी बहुत खतरनाक, लेकिन अभी हम लोग इससे बच चुके हैं। लेकिन यार खतरा यही है, क्योंकि मुझे पता था जब तक निकोला जिंदा है ना, तब तक नेमेसिस जिंदा है, चाहे मैं उसे कितनी बार भी मार लूँ। अगर मैंने निकोला को एक बार भी मार दिया ना, नेमेसिस दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। और बाकी यहाँ पर एसी बहुत तेज चल रहा है, मतलब कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाकी ना यहाँ पर इन सबको ये निकोला ही मार कर गया है भाई, बहुत ही खतरनाक बंदा है। और यहाँ पर ना आगे की तरफ में कुछ तो है, और इस जगह का ना मेरे पास मैप भी नहीं है, एक बार मैं चेक करता हूँ, मैप तो भाई बिल्कुल नहीं है। लेफ्ट में ना एक डोर है, एक रास्ता जा रहा है जिसे मैं शायद से अनलॉक नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक रास्ता आगे की तरफ में और है, और इसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत सामान स्टोर करवा सकता हूँ। बाकी ये क्या, नेस्ट टू एम्प्लॉय रेगुलेशन। तो ओके गाइस, अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जो नेस्ट टू जगह है ना, मुझे यहाँ का मैप मिल गया, और पीछे वाले बॉक्स से मुझे 80 एमओ मिल गया यहाँ पर एआर का। और यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ भी बढ़ी है, चलो भाई थोड़ी सी हेल्थ भी हमें मिल गई है। एक काम करते हैं, जितना भी फालतू का सामान है ना, उसको इसके अंदर स्टोर कराते हैं। तो ओके गाइस, अभी जितना भी फालतू का सामान था वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। और यहाँ पर ना राइट में हाई ग्रेड गन पाउडर है, इसको उठा लेते हैं और आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर ना ये जो सीढ़ी ऊपर की तरफ में जा रही है, इस पर मैं अभी तक नहीं गया, यहाँ पर ऊपर चलकर देखते हैं क्या सीन है। क्या पता कोई तगड़ा ज़ॉम्बी वॉम्बी ना आ जाए, मतलब कि मेरे को ना अभी डर लग रहा है नेमेसिस से, क्योंकि जिस जगह पर नेमेसिस हो सकता है, अभी ये देखो ये जिंदा बैठा हुआ है, तेरी ऐसे की डराई हो मत, मेरे को बाद में मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा वरना। बाकी यहाँ पर इसको देखो वापस उठने की कोशिश कैसे कर रहा है, वापस तो अच्छा खासा सो रहा था, मेरे को के उठने की एक्टिंग कर रहा है, वापस तो दिमाग खराब कर रहा है। और यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है आगे, इस बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर हैंडगन का थोड़ा सा एमओ है। और यहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ है, आइसैक ग्रेव्स डायरी।
तो ओके गाइस यार अभी फटाफट चलते आगे तरफ में। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को देखो भाई, इसको देखो कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जाना चाह रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारे का मुंह सच्ची में ही तोड़ दिया भाई। अभी तक मैं बोलता था कि मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, लेकिन उसका तो मुंह ही गायब हो गया जब मैंने उसके ऊपर गन मारी। अभी फटाफट चलते हैं आगे की तरफ में, क्योंकि ना यहाँ पर एक डोर हो रहा हो भाई साहब, ये तो कुछ तगड़ी सी लैब लग रही है। और यहाँ पर आगे चलते शायद से ये एक और हाई ग्रेड गन पाउडर मेरे को मिल गया है। एक काम करते ना, जो मेरे को पहले मिला था ना, इसको ना उसके साथ कंबाइन अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को मैगनम का एमो मिल जाएगा, ये देखो। लेकिन यार मेरे पास ना अभी AWM स्नाइपर तो है ही नहीं, तो इस एमो का फायदा क्या है मुझे ये बताओ। ये और कौन सी गन में लगेगी? ना ये शॉटगन में लगेगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर में ही लगने वाली है। तो इसका कोई फायदा है नहीं जब तक स्नाइपर नहीं मिलेगी। बाकी ना यहाँ पर आगे काफी बड़ी सी मशीन है। टू बींग वैक्सीन सिंथेसिस प्लेस द मटेरियल इन द चैम्बर। ओके, यहाँ पर से हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन ना उसके लिए ना मुझे मटेरियल लाने पड़ेंगे सिंथेसिस। ओके, तो अभी पता नहीं यार क्या सीन है, कहाँ से वो मटेरियल मिलेगी, मुझे तो ना रास्ता ही नहीं समझ आ रहा है यहाँ का। लेकिन अच्छी बात अभी ये है कि मुझे ना इस जगह का जो वो मैप है मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर ना मुझे एक पैन ड्राइव भी मिली है। ओके, तो फटाफट इसको निकालते हैं। ओवरराइड की रिमूव्ड। ओके, ओवरराइड की है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है अभी। लेकिन ना ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों का है, तो भाई सच्ची में कुछ तगड़ा ही यूज़ होगा। या तो इसके अंदर कुछ तगड़ा ही डाटा स्टोर होगा, या फिर कुछ तो होगा भाई, अभी मुझे पता नहीं है। बट हाँ, इतना मेरे को विश्वास है कि इससे हमें कोई ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जरूर मिलने वाला है। अभी यहाँ पर अगर आगे की तरफ जाए तो रास्ता बंद है, यानी कि हमें वापस जाना पड़ेगा। और राइट में भी तो रास्ता बंद था भाई, मेरे को नीचे ही जाना पड़ेगा भाई। ये क्या सीन है भाई, कहाँ जाऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी धीरे धीरे चलते हैं नीचे की तरफ में। और यहाँ पर भी मैं एरिया चेक कर चुका हूँ, ये भी रास्ता बंद था, इस वाले रूम के अंदर मैं जा चुका हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर एक डोर था जो कि लॉक्ड है, तो इसको मैं खोल सकता हूँ क्या? एक मिनट रुक जाओ, अगर इसके अंदर मैं इस की को लगा दूँ, रुक जाओ इस पेन ड्राइव को अगर हम लगाते। ओके गाइस, काम हो गया। देखो मैं कह रहा था इसका कहीं ना कहीं यूज़ है। और यहाँ पर मैं इस पेन ड्राइव को काश बाहर निकाल पाता, क्योंकि आगे की तरफ में और भी ऐसे लॉक्स आ सकते हैं। पीछे हो जाओ, मैं तेरा भाई मुंह तोड़ दूंगा। और वैसे मैंने तोड़ दिया है। और भाई इधर तो कुछ एलियंस है भाई, ये कैसे ज़ॉम्बी है? ये ज़ॉम्बी नहीं है भाई, ये एलियन है यार, ये अलग ही स्पीशीज है भाई। ये सिंथेसिस जो चीज़ बात कर रहे हैं वो यही तो नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा भाई, तेरी ऐसी की तैसी, आ मत मेरे पे। ओ भाई, भाई साहब ये तो एक शॉटगन में मरा ही नहीं, कितने पावरफुल है भाई। अभी भी मरा है कि नहीं मरा भाई, पता नहीं। एक तो अजीब सा मुंह है इनका, क्या बताऊँ मैं, बेचारे नंगे होके घूम रहे। ये गाइस एलियंस है भाई, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। ये मतलब कि ह्यूमन स्पीसीज के बंदे ही नहीं है भाई ये। चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया। नीचे की तरफ में ना थोड़ा सा आगे चल कर देखते हैं क्या सीन है। बाकी ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, पता नहीं क्या इन्होंने पैकेट पैकेट से लटका रखे हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ लिखा है, इसे पढ़ते हैं। ये है शिपिंग नोटिस, कार्गो नेमेसिस शिपिंग रूट CDJ JFK RC, शिपिंग डेट September 1, 1998, शिपमेंट टाइप Class 1। भाई क्या चल रहा है ये लोग भाई क्या कर रहे हैं भाई, मतलब कि नेमेसिस को कौन से देश में भेजा जा रहा था भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है अभी कि इस गेम में चल क्या रहा है। अभी यहाँ पर कभी भी नेमेसिस आ जाता है, कभी भी चले जाता है। यहाँ पर पीछे की तरफ में तेरी ऐसी की तरह, तू कैसे बचा हुआ था भाई अभी तक? वहीं पर आगे आगे नहीं पिट सकता था मेरे से जब सारे लोग पिट रहे थे? इसको अलग से स्पेशल मारूं भाई, क्या है ये भाई, क्या चीज़ है? 10 हेडशॉट मार दिए होंगे मैंने इसके कम से कम। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोसिव ए मिल चुका है, थोड़ी सी शॉटगन की एमो मिल चुकी है, थोड़ी सी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 एमो मिली है। बाकी मेरे को लग रहा है ना कि मेरा बैग जो है बस भरने ही वाला है, तो मुझे ना यहाँ पर थोड़ी बहुत एमो वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ उससे तो कंबाइन भी तो नहीं होगी ना। चलो कंबाइन होगी। अभी यहाँ पर जो ग्रीन हब्स है मेरे पे थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है फिलहाल। यहाँ पर ना थोड़ी सी, अबे यार मेरे को इससे कंबाइन करना था रेड हब से। खैर छोड़ो, अभी जो भी चीज़ फालतू होगी ना उसे फेंक देंगे। तो कहीं सर यहाँ पर ना गन पाउडर पड़ा हुआ है, लेकिन ना से उठा नहीं सकता क्योंकि यार मेरे पास बिल्कुल जगह ही नहीं बची है बैकपैक में। अगर एक बार ही मेरे को वो वाला बॉक्स मिल जाए ना, तो उस बॉक्स के अंदर मैं अपना सारा का सारा फालतू का या फिर जो भी काम का सामान है जिसका भी यूज नहीं है वो मैं अंदर स्टोर करवा देता। अभी ना मेरे को एक पेन ड्राइव लग रहा है दोबारा से चाहिए होगी, क्योंकि ना यहाँ पर भाई सब क्या है ये, तेरी ऐसे की तैसी, वापस लेट पे उठने की कोई जरूरत कैसे कूद रहा है ये देखो। अभी नहीं कूदा जब 2 गोली पड़ी थी, जब इसके अंदर जान थी ना तो बहुत बुरी तरह कूदा था। और अगर मैं इस पर गोली मार दूं तो आग तो नहीं लग जाएगी ना? ओके, तो गाइस यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं। और उसके अंदर से मुझे एक फर्स्ट एड स्प्रे मिला है, लेकिन यार वही चीज बैग में जगह नहीं है। काम करता हूं, यहां पर ये जो हैंडगन का एमो है ना इसको डिस्कार्ड कर देता है, अभी इसका जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड स्प्रे जो है ना भाई काफी ज्यादा काम का है। और भाई यहां पर अच्छा हुआ इसमें से आग नहीं निकली, वैसे मैं ना ट्राई कर रहा था कि क्या होता है। तो गाइस यार यहां पर ना आगे की तरफ में एक लॉक हो रहा है, इसको खोलकर देखते हैं। इनसफिशिएंट पावर, प्लीज एक्टिवेट ऑक्सिलरी पावर। अबे यार ऑक्सिलरी पावर कहां पर है? ओके, तो यहां पर पीछे की तरफ ही कुछ झमेला है, ये देखो यहां पर 2 लाइट ब्लू रखी है, या फिर आप ग्रीन भी कह सकते हो जिसको जैसा दिख रहा हो। अभी फटाफट ना यहां पर अगर मैं
होल्ड कर कर ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसे आगे की तरफ में दबाऊंगा तो पावर जो है पूरी चले जाएगी ना, लेकिन यहाँ पर देखो जो मेरे को काम करना था वो मैंने कर दिया है और यहाँ पर देखो वो ग्रीन हो गया, यानी कि अब जो है लॉक खुल जाएगा। मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा से उसी पेन ड्राइव की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पर अलग सीन था भाई। रेजिडेंट एविल 3 की जो जगह है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हर जगह अलग सीन है। और यहाँ पर मैंने अपना हैंड लगाया और ये जो है खुल चुका है। और यहाँ पर देखो भाई ये क्या चल रहा है, मैं कह रहा था ना तुम लोग को कि वो मतलब कि ह्यूमन स्पीशीज नहीं है, वो अलग ही चीज़ है। और वो ये सब चीज़ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये वही मॉन्स्टर है जो कि हमें पिछले हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में कैरलॉस को मिला था। और भाई सच्ची में ये क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ना एक बॉक्स हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर से मुझे एक्सप्लोसिव बी मिल चुका है। अगर मैं इस एक्सप्लोसिव बी को इससे कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे को थोड़े से कौन सी एमो कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ मेरे को नाम याद होना जरूरी है, इसको कहते हैं यहाँ पर फ्लेम राउंड्स। ओके, तो मेरे को थोड़े से 3 फ्लेम राउंड मिल चुके हैं। बाकी ना यहाँ पर अलग अलग से जोम्बीज, अलग अलग से क्रिएचर जो है इसके अंदर भरे पड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर बहुत खतरनाक है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले। और गाइस यहाँ पर ना एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट से नीचे चलकर देखते हैं भाई, सच्ची में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर। अच्छा ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा था और नीचे जाएगी, लेकिन अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पर ना एक जोम्बी मरा पड़ा है और इधर बॉक्स एक और है भाई। यहाँ पर अगर मैं अपना सारा का सारा एमो फेंक कर आता ना बहुत बढ़िया रहता, मुझे ज़्यादा एमो मिल जाता, मतलब कि या तो स्टोर करवा कर आना चाहिए था मुझे। खैर छोड़ो, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं यहाँ पर इस बॉक्स का, लेकिन मेरे को यूज़ नहीं पता। पीछे हटते ही ऐसे की तैसी, आगे किसी ने आने के लिए बोला, अजोल्ट राइफल चलाऊंगा यार इसके पास, मेरे पे काफ़ी सारा एमो है। और ये कैसा जोम्बी है भाई, पीछे हट भाई ये कैसे जोम्बी, एक मिनट रुक जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको मारने के लिए ना मेरे को ग्रेनेड यूज़ करना पड़ सकता है। पीछे हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं मुंह तोड़ दूंगा। पीछे चलती रही ऐसी की तैसी भाई, कितनी जान है। और ये ज़ोंबी में बहुत पावर होती है भाई, ये क्योंकि अलग ही दुनिया का प्राणी है। तेरी ऐसी की तैसी वापस कैसे उठ रहा है गंजे, वापस लेट जा चुपचाप, बहुत गंदा मारूंगा। और तेरी ऐसी एक और खा तू, यहाँ पर एमो मेरे पे फालतू हो रही है इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा मार रहा हूँ। बाकी ना यहाँ पर एक और एक्सप्लोसिव बी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे बैग में ना जगह नहीं है कि मैं इसे उठा लूँ, तो खैर छोड़ो इसको पड़े रहने दे। अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा ना तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोसिव बी उठा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रेड हब है ना वो नॉर्मली मिल जाती है और मेरे को ना अभी रेड हब का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा हील है। यहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, ओके से पढ़ते हैं। खैर अभी ना मैंने जल्दबाजी में उसे पढ़ दिया क्योंकि भाई उसमें इतना कुछ लिखा हुआ था कि पढ़ने में 3-4 मिनट चले जाए, तो मैंने कहा खैर छोड़ो ऐसे नॉर्मल खेलते हैं। यहाँ पर उसके अंदर ना क्योंकि छोटे मोटे क्ल्यू मिल जाते हैं तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट तो होता है, बट यहाँ पर भी मैंने नहीं पढ़ा। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लोसिव मिल चुका है और ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है, मेरे को लग रहा है ना मेरी नेमेसिस से फाइट होने वाली है इसीलिए ये लोग ना मुझे इतनी सारी एमो दे रहे हैं। अभी ना गाइस यहाँ पर वैक्सीन है क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ तो है। यहाँ पर मेरे को लिक्विड फिल्ड टेस्ट ट्यूब मिला भाई, ये उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ना मेरे को कुछ फालतू की चीज़ जो है डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। गाइस यहाँ पर ना एक गन पाउडर भी पड़ा हुआ है और गन पाउडर भाई कहाँ रखूंगा, मेरे बैग में जगह ही नहीं है, भाड़ में जाए गन पाउडर, इसे बाद में आकर उठा लेंगे। अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये जो एरिया है वो मैंने चेक कर लिया, यानी कि यहाँ पर जो हमें मटेरियल मिला है ये वैक्सीन बनाने के काम में आएगा। अभी फटाफट ना यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो हमें मशीन दिखी थी ना उसके अंदर ले जाकर इसको डाल दूँ। अभी खैर यहाँ पर लिफ्ट मैंने दबा दी और ये लिफ्ट वापस हमें नीचे लेकर जाएगी। और यहाँ पर सारा का सारा एरिया जो है वो मैंने चेक कर लिया है। अभी जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ में। और आगे का जो रास्ता है कहाँ से जाना है, किधर को जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर छोड़ो जो भी है कुछ ना कुछ तो तगड़ा क्लियर होगा। और यहाँ पर ना मेरे दिमाग में पता है एक फालतू का आइडिया आ रहा है, अगर मैं इसकी गोली मार दूँ अच्छा हुआ, जो मैं पता है मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं इसकी गोली मार दूँ भाई यहाँ पर शीशा टूट गया, जो चीज़ मैंने सोची थी वही हुई भाई। ये क्या है, ये कुछ भी हो रहा है भाई, अभी कुछ भी हो रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ की एमो मेरे को इसीलिए मिली थी, तुम्हारी ऐसी तरह से निकलो यहाँ से भाई साहब। यहाँ पर पता है गाइस मैं क्या सोच रहा था भाई, बहुत ही बुरा सीन है, पीछे का रास्ता भी बंद हो गया और ये मरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है भाई। यहाँ पर गाइस मैं पता है क्या सोच रहा था कि अगर मैं इस शीशे पे गोली मारूंगा तो शीशा टूट के ये लोग ज़ोंबी वगैरह बाहर तो नहीं आ जाएंगे और आगे वाले शीशे से अपने आप ही सेम अपने आप वही चीज़ होगी जो कि मैं सोच रहा था भाई। हालत ख़राब होगी भाई, इतने सारे ज़ोंबीज, खैर दो ही थे बट जो भी थे ना बहुत खतरनाक थे, वो ज़ोंबी नहीं थे भाई, अलग ही क्रिएचर था, मतलब कि कुछ अलग ही मॉन्स्टर टाइप थे, तो वो लोग मेरे ऊपर कूद गए। खैर छोड़ो जो भी, भैया जान निकल गई थी एक बार को, मैंने सोचा ये क्या हो गया और मैं भाई मुँह तोड़ दूँगा अगर तू उठा तो, ये पक्का उठेगा, वापस लेटे रहा चुपचाप बेचारे की, मतलब दो हेडशॉट बजा दिए मैंने यहाँ पर। और ना अभी फिलहाल मैं शायद से उसी वाले रूम में आ चुका हूँ, यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते हैं भाई। मतलब कि यार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता चाह रहा गेम, अभी तक इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अब जिस टाइप के अटैक होते हैं, जिस टाइप का म्यूजिक आता है, जिस टाइप का साउंड आता है ना भाई, हालत ख़राब हो जाती है। अभी यहाँ पर ना मुझे वापस से ऊपर जाना पड़ेगा ना, हाँ मैं ऊपर गया था, तो भी जल्दी से उसी जगह पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर ये जो मेरे को मटेरियल मिला है ना लिक्विड वाला, इसको वहाँ पर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। आगे का जो रास्ता
रास्ता है वो खुलता है या फिर नहीं खुलता या फिर क्या सीन होता है वो तो वहीं पर चलकर पता चलने वाला है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं उस वाले रूम के अंदर वापस से आ चुका हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से इस मशीन के अंदर इसी लिक्विड फिल टेस्ट ट्यूब को डालते हैं और देखते क्या सीन होता है। और ये इसके अंदर चली गई लेकिन रिजेक्ट हो गई। ऑथोराइज मटेरियल डिटेक्टेड, भाई पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पर एक नोट पड़ा है टू मोस्ट एफिशिएंटली सिंथेसाइज अ वैक्सीन बोथ एन एंटीजन एंड एन एडजुवेंट आर रिक्वायर्ड। ओके गाइस इसके अंदर ना यार काफी कुछ लिखा है वैक्सीन को बनाने के रिलेटेड, इसे ना पूरा समझ के पढ़ना पड़ेगा। खैर छोड़ो जो भी, अभी चलते हैं आगे तरफ में। अभी मेरे को जो क्ल्यू मिला ना ये काफी ज्यादा काम का है, मतलब कि ना हमें जो इसके अंदर जो चीज लगानी है, जो मटेरियल लगाना है वो एंटीजन एडजुवेंट इसी से कुछ रिलेटेड है। अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे जाना कहाँ पर है। अभी ये जो एरिया ना मैं पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चेक कर चुका हूँ और यहाँ पर एक रास्ता जो है ना आगे की तरफ में भी जा रहा है जिस पर शायद से मैं अभी तक नहीं गया हूँ। यहाँ पर उसके लिए ना मेरे को सीढ़ी उतर के नीचे की तरफ में जाना पड़ेगा और आगे की तरफ में ना और सीढ़ी है, वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वो जो रास्ता है वो जा कहाँ पर रहा है। अभी धीरे धीरे वहीं पर चलते हैं और यहाँ पर ये वाला गेट खोलेंगे सबसे पहले और यहीं पर आगे एक सीढ़ी है ना। ओके तो गाइस यहाँ पर ना एक ही सीढ़ी है फिलहाल और मैप में दिखा रहा है कुछ ना, मैप थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को, अलग समझ आ रहा है वो दिखा कुछ अलग रहा है। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पर। अभी यहाँ पर ना अंदर चलकर देखते हैं कौन से रास्ते पर जाने के लिए बोल रहा है मैप। अभी यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है आगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गन पाउडर उठा लिया, थोड़ी सी हैंड गन की एमो उठा ली है। बाकी ये जो रास्ता है भाई ये तो आगे से पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है, ये रास्ता खुलेगा क्या यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये देखो गाइस ये क्या तेरी है, सीधा सी भाग यहाँ से भाई साहब, ये हर जगह पहुंच जाता है। बाकी ना मुझे यहाँ पर मैप में देखना पड़ेगा कि आगे ना लैब का रास्ता तो है भाई ये देखो। तो गाइस यार यहाँ पर ना शायद से मैं पहले नहीं आया था क्योंकि ना यहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ है वेपनरी ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट। तो यार इसमें ना हाई पाउडर वेपनरी से कुछ रिलेटेड लिखा हुआ था और यहाँ पर ना एक मशीन है, इस मशीन को खोलते और ये देखो यहाँ पर से ना हमें एक और लिक्विड टेस्ट ट्यूब मिली है। और यहाँ पर ये क्या सीन है भाई, क्या हो रहा है, कुछ ना वेपन बन रहा है बहुत खतरनाक। और ये देखो ये ना बाहर निकल कर आ चुके और ये है कल्चर सैंपल। भाई क्या चल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि भैया हम लोग डॉक्टर वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए काम करता हूँ ना यहाँ पर इस गन पाउडर को ना मुझे फेंकना पड़ेगा। रुक जाओ सबसे पहले यहाँ पर ये जो गन पाउडर है ना इसका भी इतना यूज नहीं है, इसे डिस्कार्ड करते हैं। और यहाँ पर ये जो मेरे को मिला है ना इसको उठाता हूँ और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो कुछ हो सकता है, ये कंबाइन नहीं होंगे पहले। ओके तो गाइस ये देखो वैक्सीन बेस मेरे को मिल चुका है, ये कंबाइन हो गई भाई, जो चीज मैंने सोची सेम टू सेम वही हुआ। और यहाँ पर तू जिंदा कहाँ से हो रही है, वापस लेट तेरी ऐसी वापस लेट, उठने की जरूरत है ही नहीं आज, आज उठना है ही नहीं भाई, आज छुट्टी है तुम लोग की, अपना सोते रहो पूरे पूरे दिन, ऐश मारो। और भाई यहाँ पर ये म्यूजिक इतना सस्पेंस भरा क्यों बज रहा है। अभी ना फटाफट से ना वापस नीचे चलकर देखते हैं, मतलब कि ना जैसे अभी मेरे को एंटीजन भी मिल गई है और यहाँ पर एडवेजेंट भी मेरे को मिल चुकी है, यानी कि अब ये जो वैक्सीन जो मेरे पास अब जो टेस्ट ट्यूब है ना ये शायद से उस मशीन के अंदर लग जाएगी। अभी जल्दी से चलते हैं भाई, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब का म्यूजिक बज रहा है ना मेरे को लग रहा है कोई ना कोई खतरनाक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो प्लीज़ यार कोई भी अटैक मत करना। बाकी ना यहाँ पर ये देखो भाई काफी सारी हाई, ओ भाई साहब यहाँ पर एसिड राउंड्स है जो कि मेरे बैग में आने के लिए जगह ही नहीं बची। एक काम करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने दो शॉटगन के शेल्स ड्रॉप करे और मुझे मेरे ग्रेनेड लॉन्चर के लिए चार एसिड राउंड्स मिल गए। अब पता नहीं यार वो एसिड राउंड किस टाइप का डैमेज करते होंगे, अब जिस हिसाब से नाम है एसिड राउंड तो भाई सीधी सी बात है एसिड ही निकलता होगा जो कि ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा डैमेज करेगा। तो बेटा अभी ज्यादा बदमाश मत बन वरना तेरे ऊपर ये ग्रेनेड लॉन्चर छोड़ के टेस्ट कर लूंगा कि किस टाइप का डैमेज वो करता है। खैर छोड़ो बेचारे को क्या ही मारूं, पिस्टल से ही मर जाते हैं ये लोग। अभी जल्दी से ना मुझे निकलना पड़ेगा उसी जगह पर, आपको याद होगा मतलब वही वाली जगह जहां पर हमने एक अपनी टेस्ट ट्यूब डाली थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन ना इस बारी उसमें हमने एंटीजन और उसके मतलब उसने बोला था कि आपको दो टाइप की टेस्ट ट्यूब कंबाइन करनी है, पहली एंटीजन होनी चाहिए और दूसरी एडवेजेंट होनी चाहिए। तो यहां पर भी मैंने दोनों कंबाइन कर लिया है। अब इसके अंदर ये वाले जो मटेरियल है ना इसको डाल के देखते हैं, ये वैक्सीन बेस है और यहां पर इस बार ये रिजेक्ट नहीं होगा मुझे कंफर्म बताओ। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो यहां पर कुछ लो 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 क्या सीन है भाई, यहां पर मैं एंटर करता हूं, यहां पर यार क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मिड दोबारा से राइट वाले में करता हूं, यहां पर ये भी मिड है भाई, क्या चल रहा है ये। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने अपनी वैक्सीन बेस को इसके अंदर लगा तो दिया है लेकिन इसके अंदर तीन चैम्बर है और तीनों चैम्बर का टेम्परेचर जो है ना सेम होना चाहिए तभी ये जो चीज़ है ना काम करेगी, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पर एक का 80 चले आ रहा है, एक का 50 चले आ रहा है, एक का 40 चले आ रहा है। तो गाइस इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी पजल है जो कि मुझे सोल्व करनी पड़ेगी किस तरीके से सारा का सारा सेटअप होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे थे अभी ना सारे तीनों 10 हो गए थे और ये देखो भाई तीनों 50 हो गए, पता नहीं कैसे हो गए मुझे नहीं मालूम लेकिन यहाँ पर हो गया, इतना बता भाई मैं ऐसे तुक्के मेट रहा था और अपने आप ही हो गए। ये ना मतलब इसके पीछे एक पजल
थी, इसके पीछे कोई भी क्ल्यू वगैरह हमें नहीं ढूंढना था। बाकी ना यहाँ पर ये देखो वैक्सीन जो बनना वो शुरू हो गई है, और यहाँ पर अभी देखते हो भाई यही वैक्सीन है जो पर्पल वाली है ना, यही है वो वैक्सीन। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे को वैक्सीन मिल चुकी है। अगर अभी मैं मतलब कि मैं ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो भी जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे इंजेक्शन में लगाकर अभी अपनी बॉडी के अंदर लूंगा तो यहाँ पर मैं ठीक हो जाऊंगा। और भाई ये क्या चीज़ है भाई, आ गया वो, मुझे लग ही रहा था भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, और एकदम एंड टाइम पर आया भाई। सच्ची में बहुत ज़्यादा चालू हो भाई, चक्कू चक्कू मार रहे हैं यहाँ पर भाई जिल इसके। और ये नेमेसिस है, नेमेसिस की जीभ थी, वो जीभ थी पता नहीं हाथ था, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, उसका शरीर ऐसा हो चुका है ना। बाकी यहाँ पर अभी ना मेरे को लग रहा है इससे मेरी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, और मेरे को यहाँ पर भाई मिल चुका है। अभी फटाफट ना यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरे पास हेल्थ के लिए कुछ है फिलहाल, हेल्थ थोड़ी ठीक है, इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन अगर मैं जितनी जल्दी यहाँ से निकलूंगा उतना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर ना एक रास्ता है, इसके अंदर ना जल्दी से चलते हैं भाई, कहाँ को जा रहा है ये रास्ता, जल्दी से चल ले भाई जिल, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, नेमेसिस कहीं से भी टपक सकता है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया वो। और ये जगह खुल गई, ओके मेरे को लग रहा था खुलने का नाम नहीं ले रही थी। और भाई ये देखो भाई कहाँ से आ रहा है भाई ये क्या, ओ भाई साहब इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गया ये भाई यहाँ पर। ओके तो लेफ्ट में ना, ओ भाई इसके अंदर आ गए, ओ भाई साहब यहाँ पर ना जिल एम टाइम पे हमेशा बहुत तगड़ा ही दिमाग लगा लेती है, मतलब कि ना लेफ्ट में एक पता नहीं क्या था उसके अंदर गोली मारी और आग पकड़ ली। और यार ये तो देखो मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, जल्दी जल्दी चल जेल, छोड़ियो मत छोड़ियो मत। यहाँ पर ना मुझे जितनी तेज में टैप करूँ उतना ज़्यादा बढ़िया भाई, मैं तो फुल स्पीड में टैप कर रहा हूँ भाई, ये पीछे कैसे जा रही है, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है, मैं तो आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ऐसे जाना है, चल 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 चल, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा जान है, नेमेसिस ख़त्म है हमारे आगे भाई। सच्ची में आप लोग देख पा रहे हो, और उसने ना जिल का पैर पकड़ लिया और पूरा ना अपनी जीभ से लपेट लिया है, और अगर मैंने एक बार ही आगे जाके वो लिफ्ट पकड़ ली ना सारा का सारा काम हो जाएगा। ओ भाई साहब अच्छा वो ना आग में जल रहा था और उसने मेरा पैर पकड़ रखा था ताकि हम लोग भी जल के यहाँ से जाए। बाकी यहाँ पर ये नेमेसिस का खेल ख़त्म हो गया क्या, अभी तो ख़त्म होएगा ही नहीं, क्योंकि यार देखो जब तक वो जिंदा है ना निकोला है वो इसे दोबारा जिंदा करते रहेगा चाहे हम कुछ भी कर ले। तो गाइस यार अभी ना मैं ऊपर की तरफ में पता नहीं कहाँ पर आ गया, और सामने की तरफ में ना एक बॉक्स है, इसके अंदर ना जितना भी फालतू का सामान है सारा का सारा स्टोर करवाए थे, लेकिन यार इसमें भी ज़्यादा जगह नहीं बची है। तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से अपना बोल्ट कटर का कोई भी यूज़ नहीं है, तो एक काम करता हूँ इसको, और इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दो भाई, जिस चीज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं है उसे डिस्कार्ड कर दो, कम से कम जगह तो बनेगी। तो कि गाइस यार अभी जितना भी फालतू का सामान था सारा का सारा मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, अभी ना जल्दी से यहाँ से मेरे को आगे की तरफ में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और खतरनाक डोर है, और ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ भाई, ये कौन सी जगह भाई, ऐसे लग रहा किसी मौत के कुएं में आ गया हूँ मैं। अभी ना यहाँ पर पीछे की तरफ में क्रेट बॉक्स पड़ा है, इसको खोलकर देखते हैं, और इसके अंदर से ना मुझे फ्लेम राउंड्स मिल चुके हैं, वो भी तीन तीन। अभी फटाफट चलते हैं आगे तरफ में, और गाइस जो मेरे पे फालतू फ्लेम राउंड्स थे ना वो सारे के सारे मैंने उसके बॉक्स के अंदर स्टोर करवा दिए हैं, और मेरे पास 6 एक्सप्लोसिव राउंड है, और एक्सप्लोसिव राउंड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अभी ना फटाफट ना यहाँ से नीचे की तरफ में चलते हैं, और मुझे डर लग रहा है उसी का, नेमेसिस का। और ये देखो आ गया, मुझे पता था भाई, मुझे पता था ये आएगा, क्योंकि भाई ये जगह इसके लिए लड़ने के लिए बनी है भाई, इतनी खतरनाक जगह पर हम लोग आए हैं। और भाई ये क्या है, ये तो अलग ही हो रहा है भाई, इसकी पूछ वूछ निकल गई, पंख निकल गए भाई, ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल पागल ही हो गया भाई, उतरी गई हड्डियाँ। और यहाँ पर ये देखो मेरी वैक्सीन भी गिर चुकी है भाई, वैक्सीन उठा ले प्लीज, अभी वैक्सीन उठा ले, कुछ मिले ना मिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई। और ये कौन है, निकोलाय कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ पर ये निकोलाय कहाँ से आ गया, और ये क्या चल रहा है, अबे शिट यार भाई, ये मैंने आपको कहा था ना सारा का सारा काम निकोलाय, मतलब कि ना निकोलाय का तो पेट है भाई नेमेसिस एक टाइप से। और ये देखो भाई निकोलाय को भाई कितने पंगे ले रहा है भाई यहाँ पर वो, भाई बहुत खतरनाक है भाई सच्ची में, असली विलन इस गेम का यही है। और यहाँ पर अगर एक घुसा इसके पड़ गया ना भाई यहीं पर बिछ जाएगा ये, लेकिन भाई यहाँ पर ना ऐसी सिचुएशन है कि कुछ कर भी नहीं सकते, या अगर हाथ छोड़ा तो जान से जाएंगे, नीचे नेमेसिस है ऊपर निकोलाय है। बाकी यहाँ पर खैर छोड़ो, बहुत खतरनाक सीन हो चुका है अभी। ओके गाइस यहाँ पर ना ओके भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लात मार के नीचे फेंक दिया है, और यहाँ पर अभी जिल जो है नीचे आकर गिर चुकी है उसी मौत के कुएं में मैं जिसकी बात कर रहा था। और यहाँ पर है सामने की तरफ में नेमेसिस। तो चलो गाइस यार जैसा कि आप लोग ने देखा कि जिल ने एक वैक्सीन बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतने सारे ज़ॉम्बीज मारे तब जाकर एक वैक्सीन बनी थी, और उस वैक्सीन को लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे थे तभी जो है निकोलाय आ गया अपने साथ नेमेसिस को लेकर, और नेमेसिस को भी उसने काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया, काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, और दोनों ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। और भाई सच्ची में इतना खतरनाक अटैक था कि दीवार व्यवहार सब टूट गई और जिल हवा में लटक गई, लेकिन यहाँ पर जो जिल की वैक्सीन थी वो ऊपर ड्रॉप हो गई, और निकोलाय आया, निकोलाय ने वैक्सीन उठाई और लात मार के जिल को मौत के कुएं में फेंक दिया नेमेसिस के पास। तो यहाँ पर अभी सामने नेमेसिस है वो भी खतरनाक रूप में, और पीछे निकोलाय खड़ा हुआ है, तो भी यहाँ पर चांसेस है कि जिल अब ना बचे, कुछ भी हो सकता है। तो खैर छोड़ो जो भी है, तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 250,000 लाइक के लिए, तो जल्दी से आकर
लाइक का बटन दबाकर ये जो लाइक का गोल है इसे कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, इसको जल्दी से दबा दो और 4 मिलियन कंप्लीट करवा दो यार जल्दी से। और जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और हमारे डिस्कॉर्ड पर 50,000 मेंबर होने वाले हैं, तो इसी खुशी में हम लोग टॉक शो करने वाले हैं डिस्कॉर्ड पर, तो जल्दी से जाओ। जिस किसी को भी मेरे से बात करना है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ, तबाही दिखा दो वहां पर। तो यार आज की इस वाली वीडियो में नहीं, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।